एक्सरसाइज नाइन पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर नाइन एट क्वेश्चन तक हमारी पिछली वीडियो में है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ये कोई बिल्डिंग है दिस वन इज बिल्डिंग इसकी टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ टावर ये टावर है टावर के फुट से बिल्डिंग की टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज दर्टी डिग्री इट इज थर्टी डिग्री ये टावर है ये बिल्डिंग है इज थर्टी डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग टावर के टॉप से फुट ऑफ बिल्डिंग से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट 60 डिग्री दिस एंगल इज 60 डिग्री इफ द टावर इज फिफ्टी मीटर हाई टावर की हाइट है फिफ्टी मीटर फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमने बिल्डिंग की हाइट निकालनी है ए बी निकालना है हमें और टी एल हमें गिवन है 50 मीटर टी एल इज इक्वल टू फिफ्टी मीटर ए बी हमने निकालना है ए बी हम एच मान लेते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू एच एंड एल मान लेते हैं हम ए एल इज इक्वल टू एक्स इसको एक्स मान लिया हमने नौ इन ट्राइंगल बी ए एल बी ए एल ट्राइंगल में एच अपॉन एक्स दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर पेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल्स टू टेन थर्टी टेन थर्टी की वैल्यू होती है वन ओवर रूट थ्री तो एच अपॉन एक्स दैट इज इक्वल्स टू वन ओवर रूट थ्री एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी रूट थ्री एच सेकेंड ट्राइंगल लेते हैं टी ए एल इन ट्राइंगल टी ए एल इस ट्राइंगल में 50 अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू टेन सिक्सटी टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है रूट थ्री तो रूट थ्री एक्स हमारे पास हो गया रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू फिफ्टी एक्स की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पुट कर दो एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री एच यहां पे पुट कर देते हैं तो रूट थ्री एक्स रूट थ्री एक्स की वैल्यू है रूट थ्री एच डेट इज इक्वल टू फिफ्टी थ्री एच इज इक्वल टू फिफ्टी एच इज इक्वल टू फिफ्टी अपॉन थ्री ट इज सिक्सटीन पॉइंट सिक्स मीटर इट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग ये हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन हो गया क्वेश्चन नंबर टेन टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑन अपोजिट साइड ऑफ आदर साइड ऑफ द रोड ये एक रोड है इस रोड के दोनों साइड पे एक ये और एक ये पोल्स खड़े हैं ये ए ले लेते हैं ये बी पोल ले लेते हैं विच इज 80 मीटर वाइड रेड की रोड की जो विथ गिवन है दैट इज 80 मीटर सी डी इज इक्वल टू एट्टी मीटर ये हमें गिवन है फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन दम ऑन द रोड रोड के बीच में कोई पॉइंट है सपोज ये पॉइंट है पी एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड थर्टी ये एंगल ऑफ एलिवेशन और ये एंगल ऑफ एलिवेशन दीज आर 60 एंड 30 ये एंगल हमारा 60 डिग्री है ये एंगल हमारा 30 डिग्री है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स पोल्स की हाइट निकालनी है हमने एंड डिस्टेंसिस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल एक तो हमें एच निकालना है लेट ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू एच और ये पॉइंट पी डी हम मान लेते हैं एक्स है और पी सी हमारे पास हो जाएगा एट्टी माइनस एक्स नौ इन ट्राइंगल ए सी पी इन ट्राइंगल ए सी पी एच अपॉन एट्टी माइनस एक्स डेट इज इक्वल टू टेन सिक्सटी टेन सिक्सटी रूट थ्री होता है एच की वैल्यू आ गई रूट थ्री इंटू एटी माइनस एक्स अब ट्राइंगल बी डी पी इन ट्राइंगल बी डी पी एच अपॉन एक्स डेट इज इक्वल्स टू टेन थर्टी टेन थर्टी इज वन ओवर रूट थ्री टेन एक्स इज इक्वल्स टू रूट थ्री एच एक्स की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं एक्स की जगह पे हम पुट कर देते हैं रूट थ्री एच तो ये हमारे पास हो गया एच इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू एट्टी माइनस रूट थ्री एच एच इज इक्वल टू एट्टी रूट थ्री माइनस थ्री एच थ्री एच को उधर ले जाते हैं ये हमारे पास हो जाएगा फोर एच फोर एच इज इक्वल टू एटी रूट थ्री एच की वैल्यू आ गई हमारे पास ट्वेंटी रूट थ्री हाइट ऑफ द टावर इज ट्वेंटी रूट थ्री अगर हम इसको लेना चाहते हैं ट्वेंटी इंटू वन पॉइंट सेवन एच इज इक्वल टू थर्टी फोर मीटर नाउ वी आर टू फाइंड एक्स एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू थर्टी फोर तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी थर्टी फोर रूट थ्री मीटर ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन इलेवंथ क्वेश्चन ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल ये एक टीवी टॉवर खड़ा है बैंक ऑफ कैनाल पे फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर टावर की टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री ये एंगल हमें गिवन है डिग्री एंड फ्रॉम ए पॉइंट ट्वेंटी मीटर अवे द एंगल ऑफ एलिवेशन इज थर्टी डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर हमने टावर की हाइट निकालनी है एंड विफ कैनाल के विर्थ भी निकालनी है तो यह हम मान लेते हैं एक्स है हाइट ऑफ द टावर इज एच लेट ए बी इज इक्वल टू एच बी सी इज इक्वल टू एक्स ना एन ट्राइंगल ए बी सी एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन सिक्सटी टेन सिक्सटी इज रूट थ्री एच इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स हो गया ना इन ट्राइंगल ए डी बी ए डी बी ट्राइंगल में क्या है एच अपॉन ट्वेंटी प्लस एक्स दैट इज टेन थर्टी टेन थर्टी इज वन ओवर रूट थ्री रूट थ्री एच हमारे पास हो गया ट्वेंटी प्लस एक्स नौ ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो एच की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं एच इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स है यहां पुट कर दो तो ये हमारे पास हो गया रूट थ्री इंटू रूट थ्री एक्स डेट इज इक्वल टू ट्वेंटी प्लस एक्स थ्री एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी टू एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी एक्स इज इक्वल टू टेन मीटर मीन बी सी हमारे पास क्या आ गई टेन मीटर आ गई अब x की वैल्यू वे, ये वाली यहां पे पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में तो ये हमारे पास हो गया H इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू टेन एच इज इक्वल टू टेन रूट थ्री मीटर टेन इंटू वन पॉइंट सेवन ट इज इक्वल टू सेवनटीन मीटर अप्रॉक्सिमेटली इसका आंसर हो जाएगा दिस इज क्वेश्चन नंबर इलेवन नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए सेवन मीटर हाई बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज सिक्स डिग्री टॉप ऑफ सेवन मीटर हाई बिल्डिंग सेवन मीटर हाई बिल्डिंग की टॉप से एलिवेशन ऑफ द टावर इज 60 डिग्री तो पहले बिल्डिंग बना लेते हैं इट इज बिल्डिंग एंड इट इज टावर तो सेवन मीटर हाई बिल्डिंग है मीन्स ए बी इज इक्वल टू हमें गिवन है सेवन मीटर इसकी टॉप से यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 60 डिग्री दिस एंगल इज डिग्री सी डी टॉवर ले लेते हैं हम एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज फोर्टी फाइव डिग्री और ये फुट का जो डिप्रेशन का एंगल है इट इज फोर्टी फाइव डिग्री नाउ ये पॉइंट हम ई लेते हैं यहां पे बी डी को ज्वाइन कर लो लेट सी इज इक्वल्स टू एक्स ई डी इज इक्वल्स टू वाई ले लेते हैं और हमें निकालना है h हाइट ऑफ द टावर h इज इक्वल टू क्या है x प्लस वाई इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो पहले ये ट्राइंगल लेते हैं ए सीई इन ट्राइंगल ए सीई एक्स अपॉन ए वाई ले लेते हैं लेट इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू वाई ये दोनों हमने y ले लिए और जेड ले लेते हैं सॉरी वाई नहीं जेड ले लेते हैं इट इज इक्वल टू जेड नाउ एक्स अपॉन जेड इट इज इक्वल टू टेन सिक्सटी डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेन सिक्सटी तो टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है रूट थ्री तो एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री जेड नाउ इन ट्राइंगल एडी इन ट्राइंगल एडी वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू टेन फोर्टी फाइव देन टेन फोर्टी फाइव क्या होता है वन होता है तो वाई हमारे पास क्या हो गया जेड के इक्वल हो गया नौ वैल्यू ऑफ वाई सेवन तो ये हमारे पास जेड कितना हो गया हमारे पास सेवन मीटर एक्स इज इक्वल टू जेड इज इक्वल वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू सेवन मीटर एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री जेट तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई रूट थ्री इंटू सेवन एक्स इज इक्वल टू सेवन रूट थ्री आ गई वी आर टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर हाइट ऑफ द टावर इज एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर तो इन दोनों को ऐड कर देंगे सेवन रूट थ्री प्लस सेवन तो हाइट ऑफ टावर हमारे पास हो गई हाइट ऑफ टावर एच इज इक्वल रूट थ्री प्लस सेवन डेट इज सेवन इंटू रूट थ्री प्लस वन मीटर ये इसका आंसर हो जाएगा हम यही छोड़ सकते हैं रूट में अगर आप चाहो तो रूट की वैल्यू वन पॉइंट सेवन पुट करके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन एज ऑब्जर्व फ्रॉम ए टॉप ऑफ सेवनटी फाइव मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर थर्टी एंड फोर्टी फाइव डिग्री एग्जैक्टली बिहाइंड अदर ऑन द सेम साइड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दू शिप कोई सेवनटी फाइव मीटर हाईट लाइट हाउस है इट इज लाइट हाउस सेवनटी फाइव मीटर हाईट दो शिप्स हैं दो एक तरफ से आ रहे हैं एक शिप ले लो एक शिप ये लेते हैं एक पी ले लेते हैं क्यों ले लेते हैं ऑन दिस लाइन तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 एंड 45. यहां से देखा हमने इस शिप को और यहां से देखा इस शिप को ये एंगल्स दिए हुए हैं 30 एंड 45. तो एंगल्स बना लेते हैं हम यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये हम यहां भी लाइन एक पैनल ड्रॉ कर लेंगे और ये हमारे पास हो गया पॉइंट पी का और ये हमारे पास हो गया पॉइंट क्यों का एंगल ऑफ डिप्रेशन तो दिस एंगल इज दिस एंगल इज दिस एंगल एंड दिस एंगल दिस एंगल इज 45 डिग्री दिस एंगल इज 30 डिग्री ये पॉइंट ए ले लो ये पॉइंट बी ले लो ये सी ले लो बिकॉज ए सी इज पैरल टू बी क्यू नाउ इसको बीपी को एक्स मान लेते हैं पी क्यू को वाई मान लेते हैं लेट बीपी इज इक्वल टू एक्स पी क्यू इज इक्वल टू वाई ना इन ट्राइंगल एबीपी तो ये एंगल हमारा ऊपर वाला ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का और पूरा एंगल हो जाएगा हमारा 45 डिग्री का इन ट्राइंगल एबीपी सेवेंटी फाइव अपॉन एक्स दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस इट इज टेन फोर्टी फाइव टेन फोर्टी फाइव इज वन सेवनटी फाइव अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन एक्स की वैल्यू हो गई सेवनटी फाइव मीटर नाउ इन ट्राइंगल ए बी क्यू अब पूरी ट्राइंगल ले लेते हैं abq क्यू इसमें क्या होगा हमारे पास सेवनटी फाइव ओवर एक्स प्लस वाई ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है थर्टी इट इज वन ओवर रूट थ्री तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई सेवनटी फाइव रूट थ्री एक्स की ये वैल्यू सेवनटी फाइव यहाँ पे पुट कर देते हैं जैसे सेवनटी फाइव यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा सेवनटी फाइव प्लस वाई इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव रूट थ्री वाई की वैल्यू हो गई सेवनटी फाइव रूट थ्री माइनस सेवनटी फाइव Now, ये हमारी डिस्टेंस ऑफ द टू शिप्स आ जाएगा 75 फाइव कॉमन ले लो रूट थ्री माइनस वन मीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इज 75 फाइव इंटू रूट थ्री माइनस वन मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टीन ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल ये गर्ल की हाइट दी हुई है 1.2 मीटर दिस इज मूविंग टॉल गर्ल स्पॉट से बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजेंटल लाइन एट द हाइट ऑफ ये एक बैलून उड़ रहा है एट ए हाइट ऑफ 80.2 मीटर की हाइट पे ये बैलून उड़ रहा है गर्ल की हाइट आपको कितनी गिवन है 1.2 मीटर तो गर्ल की आई से जो बैलून होगा दैट इज 88.2 एट पॉइंट टू माइनस वन पॉइंट दैट इज एट्टी मीटर की हाइट पे उड़ रहा है तो हाइट ऑफ बैलून कितनी हो गई इट ऑफ बेलून फ्रॉम आई ऑफ गर्ल इज एट्टी एट पॉइंट टू माइनस वन पॉइंट टू दैट इज एट्टी सेवन मीटर ये एंगल हमारे पास थर्टी डिग्री गिवन है एंगल ऑफ एलिमेशन ऑफ द बेलून ऑफ द आई ऑफ द गर्ल आर सिक्सटी डिग्री एट द सेम टाइम इट इज थर्टी डिग्री इस फिगर में हमने देखना फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बैलून हमने ये वाला डिस्टेंस जो है वो निकालना है जो बैलून ने ट्रेवल किया है हम पूरा डिस्टेंस निकाल लेंगे उसमें से ये माइनस कर देंगे हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा तो लेट ये पॉइंट हम ले लेते हैं ए बी सी डी एंड ई ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं लेट ए बी इज इक्वल्स टू एक्स बी सी इज इक्वल्स टू वाई नाउ इंट्राइंगल डी बी सी हाइट हमने वन पॉइंट टू मीटर कम कर देनी है तो यह हो गया एट्टी सेवन डिवाइड बाई वाई इट इज इक्वल टू टेन थर्टी मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन टेन में करने की कोशिश की है परपेडिकुलर पॉइंट बेस होता है टेन तो डेट इज इक्वल टू वन ओवर रूट थ्री तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्सप्ल वाई की वैल्यू सॉरी x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट इज एटी सेवन रूट थ्री मीटर क्योंकि ट्राइंगल जो है हमारे पास ये डी ए सी है सॉरी डी ए सी ट्राइंगल इज डी ए सी तो एटी सेवन रूट थ्री हमारे पास ये वैल्यू आ गई ए सी की वैल्यू आ गई एटी सेवन रूट थ्री नाइन ट्राइंगल ए बी ई इन ंगल ए बी ई बीपेंडिकुलर अपॉन बेस इज 87 सेवन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन थ्री तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 87 सेवन डिवाइड बाई रूट थ्री इसमें से इसको माइनस कर देते हैं दिस माइनस दिस ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी वाई इज इक्वल टू एट्टी सेवन रूट थ्री माइनस एट्टी सेवन अपॉन रूट थ्री रूट थ्री लेते हैं एट्टी सेवन इंटू थ्री माइनस एट्टी सेवन तो वाई हमारे पास हो गया एट्टी सेवन इंटू थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री तो ये हो गया एट्टी सेवन इंटू टू अपॉन रूट थ्री तो y की वैल्यू हमारे पास हो गई एट्टी सेवन इंटू टू अपॉन रूट थ्री इसको रैशनाइज कर देते हैं रूट थ्री अपॉन रूट थ्री वन सेवनटी फोर रूट थ्री डिवाइड थ्री इसकी कटिंग कर लेते हैं वाई इज इक्वल टू ये फिफ्टी एट आ जाएगा थ्री फाइव जा फिफ्टीन थ्री एट जा फिफ्टी एट रूट थ्री मीटर इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बेलून क्वल टू फिफ्टी एट टू थ्री मीटर ये डिस्टेंस जो बलून है वो कवर करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टींथ ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर कोई हाईवे है जो फुट ऑफ टावर को लीड कर रहा है मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ थर्टी डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर एट यूनिफॉर्म स्पीड तो ये एक टावर है कोई यूनिफॉर्म स्पीड से कार यहां पे देखी गई जो कि टावर की तरफ आ रही है नाउ और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है कार का दैट इज 30 डिग्री ये एंगल 30 डिग्री है डिप्रेशन है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस ये भी हमारे पास कितना हो गया थर्टी डिग्री हो गया कार जो है ये इस तरफ मूव कर रही है फुट ऑफ द टावर टावर के फुट पे तो ये हम ले लेते हैं टावर ले टावर इज ए बी सिक्स सेकेंड लेटर छह सेकेंड के बाद कार यहां पहुंच जाती है इस जगह पे आफ्टर सिक्स सेकेंड इस जगह पी पॉइंट पे आ जाती है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फ्राउंड टू बी सिक्सटी डिग्री तो ये एंगल जो है दट इज सिक्सटी डिग्री दिस एंगल इज सिक्स डिग्री तो यह एंगल सिक्सटी है तो यह पूरा एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा सिक्सटी डिग्री का हो जाएगा फाइंड द टाइम टेकन बाई द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट टाइम निकालना है हमने चलो हम हाइट मान लेते हैं लेट हाइट एच ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं एक्स ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं वाई लेट लिख लेते हैं हम क्या क्या माना हमने ए बी इज इक्वल टू एच बी पी इज इक्वल टू एक्स एंड पी सी इज इक्वल टू वाई पहले बड़ी ट्राइंगल ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एच अपॉन एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू टेन थर्टी टेन थर्टी इज वन ओवर रूट थ्री तो रूट थ्री एच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन बन गई इसके बाद ट्राइंगल ए बी पी लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी पी इसमें क्या है हमारे पास एच अपॉन एक्स इट इज इक्वल टू टेन सिक्सटी टेन सिक्सटी क्या हो गया हमारे पास रूट थ्री हो गया तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई रूट थ्री एक्स एच की ये वैल्यू यहां से निकाल के यहां पे पुट कर देते हैं दिस वैल्यू तो ये हमारे पास हो जाएगा रूट थ्री इंटू रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई थ्री एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू एक्स इज इक्वल टू वाई तो ट्वाइस ऑफ द एक्स इज इक्वल टू वाई हमारे पास हो गया नाउ सिक्स सेकंड लेटर एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स वाई की वैल्यू क्या वाई का टाइम कितने में किया कवर किया उसने सिक्स सेकेंड में कवर किया सी पॉइंट से पी पॉइंट तक आने में तो वाई डिस्टेंस इज कवर्ड इन सिक्स सेकेंड वाई जो है टू एक्स के इक्वल है तो टू एक्स डिस्टेंस इज कवर्ड इन सिक्स सेकेंड देन एक्स डिस्टेंस इज कवर्ड इन सिक्स डिवाइड बाई टू डेट इज इक्वल टू थ्री सेकेंड तीन सेकंड में यह डिस्टेंस कवर किया तो टोटल डिस्टेंस कितने में कवर हुआ टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है बीसी इज कवर्ड इन सिक्स प्लस थ्री डेट इज इक्वल टू नाइन सेकेंड में टोटल डिस्टेंस जो है ये कार के द्वारा कवर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटींथ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉवर फ्रॉम टू पॉइंट एट ए डिस्टेंस फोर एंड नाइन मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टॉवर इन द सेम स्टेट लाइन आर कम्प्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री मीन्स सम जो है दैट इज नाइंटी डिग्री प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज सिक्स मीटर हमने टावर की हाइट निकालनी है जो कि सिक्स मीटर होनी चाहिए तो सपोज दिस इज टावर ये एक टावर बना लिया हमने और ये हमारे टू पॉइंट्स बना लेते हैं हम एक पॉइंट यहां पे बन गया हमारे पास और एक पॉइंट हम यहां पे बना लेते हैं विच आर फोर मीटर दिस पॉइंट इज फोर मीटर एंड दिस पॉइंट इज नाइन मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ए बी टावर है इसकी हाइट हम एच मान लेते हैं दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा कंप्लीमेंट्री गिवन है एंगल्स तो कंप्लीमेंट्री का मतलब सम कितना होना चाहिए हमारे पास 90 डिग्री होना चाहिए नाउ इन ट्राइंगल ए बी इसको सी ले लेते हैं इसको डी ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी ट एबी इज इक्वल टू एच मान लिया हमने एच अपॉन फोर डेट इज इक्वल टू टेन थीटा इन ट्राइंगल एबीडी एबीडी ट्राइंगल ले लेते हैं एच अपॉन नाइन इज इक्वल टू टेन नाइनटी माइनस थीटा एच अपॉन नाइन इज इक्वल टू के इक्वल है इसको इक्वेशन टू ले लो मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाइंग एंड ये हमारे पास हो जाएगा एच पॉन फोर इन टू एच अपॉन नाइन टू टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कोट थीटा एच स्वेर अपॉन थर्टी सिक्स इज इक्वल टू टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन टेन थीटा ये दोनों कैंसल हो जाएंगे S square upon हमारे पास वन आ जाएगा एस स्क्र इज इक्वल टू थर्टी सिक्स आ जाएगा एच इज इक्वल टू प्लस माइनस सिक्स एच की वैल्यू क्या हो जाएगी सिक्स मीटर माइनस इज रिजेक्टेड ये आपकी एक्सरसाइज नाइन पॉइंट वन कंप्लीट हो गई